में बैठे थे जबकि पूरा कैफे अंदर है, ये केबिन है, केबिन है, केबिन में विंडो वगैरह। आ रही है आपको समझ नहीं आ रही है भैया? मुझे पता है मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है तो वही फ्रेंड ही तो बनता है। हमने कुछ करा नहीं है यहाँ पर, हम लोगों को आपने भी देखा तो फ्रेंड ऐसे ही बनता है ना। बाहर बैठना चाहिए ना, बाहर एक ही नहीं जगह। भैया मेरी बात सुनो, स्मोकिंग कर रहे थे ये दो, यहाँ पर सब पहचान गया। खड़ा हो इधर, इधर ये इधर इसका गाल जूम कर रहे, देख तेरे लिप के बहुत जरा से हाथ मत पूछना, ये देख सकते हो, दिख रही ना बढ़िया बढ़िया। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के पाटीपुरा में ठाकुर साहब के कैफे पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग एक हिंदू लड़की को कैफे के अंदर लेके बैठे हुए हैं और उसके साथ में असली कार्य कर रहे हैं। असली कार्य ने उस कैफे पे कोई नहीं, जो मैनेजर था वो भी नहीं, और वो दोनों लड़का लड़की एक कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर बैठे हुए मिले, जिस पर वो जो असली कार्य कर रहे थे। बजरंगियों ने उससे जब पूछा कि भैया तुम्हारा नाम, तो उसने पहले अपना नाम हिंदू होना बताया। शायद उसको हमारे डर से डर गया होगा, इसलिए हिंदू होना नाम बताया। जब बजरंगियों ने उससे सख्ती से पूछताछ करी कि आप अपना नाम ओरिजिनल बताइए, आपकी आईडी कार्ड दिखाइए, तो उसने फिर अपनी आईडी फैजान खान निवासी चंदन नगर धारोड होना बताया। जब उससे पूछा कि आपने इस लड़की से किस प्रकार दोस्ती की, तो उसने बताया कि मैं टिकटॉक का हीरो हूँ, जिस पर टिकटॉक में मैं इंस्टाग्राम पर टिकटॉक और इंस्टाग्राम का हीरो हूँ, और इस पर मैं हिंदू लड़कियों से संबंध बनाता हूँ, दोस्ती करता हूँ, और उनके साथ लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा देता हूँ। जिस पर बजरंगियों ने उसकी धुनाई कर उसे थाना एमआईजी के सुपुर्द करा है, और श्री एसीपी भूपेन जी से हमने चर्चा करी है कि ऐसे जिहादियों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इंदौर में हम किसी बहन को श्रद्धा नहीं बनने देंगे। बजरंग दल अभी लगातार जिहादियों पर शिकंजा कस रहा है और ऐसे जिहादियों पर पिटाई कर थानों के सुपुर्द कर रहा है। हमने ये मांग करते हुए उसे सुपुर्द करा है और लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर, क्योंकि लड़की के परिजनों ने बदनामी के डर से एफआईआर नहीं करवाई है। फिर भी हमने थाना प्रभारी और भूपेन्द्र एसीपी से हमने चर्चा करके उन्हें बदगात करवा है कि इन जिहादियों पे छोड़ा ना जाए। शर्मा, बजरंग दल, इंदौर विभाग से ही हो जाए।